गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक हार्दिक बधाई। आज फिर से हाजिर हूँ बच्चों के एक और टॉपिक के साथ, जो कि है गुड हैबिट और बैड हैबिट्स पे। पहली बात तो देखो, जैसे कि नाम गुड और बैड नहीं होता ना, वैसे आदत भी गुड और बैड नहीं होती। आदत आदत होती है, हाँ आदत बुरी बड़ों में होती है। छोटे बच्चों में कोई बुरी या अच्छी आदत नहीं होती, वो बेचारे तो जो देखते हैं वही करेंगे। चलो सबसे पहले आज हम रैपिड फायर राउंड्स करते हैं। उसके अंदर सबसे पहली जो बच्चों की आदत हमने देखी है वो है थंब सकिंग की। देखो थंब सकिंग जेनेटिकल होता है, जब बच्चा माँ के वूम से पैदा होता है। ये डॉक्टर से कभी पूछेगा कि जब आप किसी गायनी के पास जाए तो पूछेगा, ये चीज जेनेटिकल होती है, बच्चा माँ के पेट से ही सीख के आता है। दूसरी बात, जो बच्चे अपने बाल खींचते हैं गुस्से में, एंगर, एक्सप्रेशन ऑफ एंगर जिसे हम कहते हैं, देखो वो भी कहाँ से आता है, बच्चे को गुस्सा आया, ठीक है, उसने दांतों को ऐसे ऐसे किया, दांत ऐसे ऐसे जो भीचना होता है वो बड़े भी करते हैं, ए ऐसे करके करते हैं ना, तो देखो जो टीथ इस तरीके से प्रेसिंग होती है ना, तो वो चीज क्या होती है कि एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, ठीक है। वो कहाँ से आया, जब बच्चे का किसी के साथ झगड़ा हो गया, बच्चे ने किसी को गुस्सा करते हुए, उतना गुस्सा करते हुए देख लिया है, ठीक है, वो भी घर से चीज आती है। अब बच्चे ने गुस्सा, देखो जब बच्चे गुस्सा करते हैं या तो अपने बाल खींचते हैं या तो वो दांत खींचते हैं, बड़े भी यही काम करते हैं, या तो कोई चीज उठा उठा के फेंकेंगे जिसके अंदर बहुत गुस्सा है, और नहीं तो फिर बड़े भी यही चीज करते हैं कि जब गुस्सा आता है तो चीखने चिल्लाने लगते हैं, शाउट करने लगते हैं। वही बच्चों के साथ भी होता है, ह्यूमन नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है और कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसको कैसे सुधारेंगे मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले तो हम ये हैबिट्स देख लेते हैं कौन कौन सी। एक तो बच्चे जो होते हैं ना, नोज ड्रिल बहुत करते हैं, ठीक है, बच्चे नोज ड्रिल करते हैं, वो बड़े भी करते हैं। अगर आपने कई बार देखा हो तो हम लोग भी नोज को ऐसे 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 करते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो वो इरिटेशन होती है बच्चे का। देखो एक्सप्रेस करने का ना कोई और तरीका नहीं होता, बच्चे को समझाने का ना, बच्चा जब कोई किसी को अपनी बात समझाता है ना, तो वो अपने एक्सप्रेशन से समझाता है। उसको ये नहीं पता होता कि ये आदत बुरी है, वो सिर्फ समझा रहा है आपको कि मुझे यहाँ दिक्कत है, मुझे यहाँ दिक्कत है, मुझे इस चीज में दिक्कत है। तो बच्चा जैसे बड़े जो है ना अपनी बात बोल के समझा देते हैं, उनको गुस्सा करना अलाउड नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर बच्चा कोई जैसे टीथ प्रेसिंग कर रहा है या फिर बच्चा अपने बाल खींच रहा है जोर से, तो वो एक्सप्रेशन ऑफ एंगर जो होता है बच्चा समझाने के लिए करता है। लेकिन हमें उसे रोकना है, कैसे रोकना है मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। और अभी हम आदतों को पहले कवर करते हैं कि आदतें, एक और आदत होती है बच्चों की कि जो ये दांत ऐसे, ये ना नेल, ऐसे नेल बाइटिंग, ठीक है। नेल बाइटिंग देखो मैंने कभी छोटे बच्चों में नहीं देखा, ये होता है आपका 6th ऑनवर्ड, 7th ऑनवर्ड, जब बच्चे टीवी में देख करके सीख जाते हैं कि अच्छा ठीक है, या किसी को देखेंगे ना पास में, बगल में कोई बैठा है तो वो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो बच्चा देख के सीखता है। देखो बैड और गुड हैबिट्स में ना डिफरेंस ये होता है कि देख करके कोई चीज सीखना करना, ठीक है, और गुड हैबिट में ये होता है जो आपके अंदर ना इटसेल्फ होती है। अब जैसे किसी किसी में इंसानियत वाली बात अगर आप देखोगे, कि चैरिटी वाली बात देखोगे, कि किसी में नरमी देखोगे, कि किसी में बहुत सहजता देखोगे, तो वो इनकलकेट आपके संस्कारों से होती है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है जो वो देखता है, जो वो सुनता है, वो चीज होती है, ठीक है। अब जब माँ बाप सहज है, ठीक है, अब जैसे कोई सदगुरु है, ठीक है, सदगुरु के बच्चे कैसे होंगे, उनको देख करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो सदगुरु के बच्चे कैसे होंगे, बहुत सहज होंगे, नॉर्मल सी बात है कि जो उनको देख रहे हैं तो सहज होंगे, ठीक है। और बच्चों की आदतें जो होती है ना, वो बहुत नॉर्मल, उनका एक एक्सप्रेशन होती है, उनको समझाने का कोई और तरीका नहीं है आपको कि वो अपने एक्सप्रेशन से समझाएंगे, ठीक है। जोर से बोलना, कूदना, फांदना, बच्चे आपकी बात ना मानना, तो ये ना उनकी एक एक्सप्रेशन है कि अगर आप हमें नहीं समझ रहे हो ना, तो हम आपको समझने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात तो ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है। देखो नाम बुरा या अच्छा नहीं होता ना, जैसे तो आदतें अच्छी बुरी नहीं होती। अब जैसे बड़ों में हो जाती है, कई बार ड्रिंकिंग अल्कोहल की बहुत ज्यादा हैबिट हो जाती है, या तो वो जेनेटिक होती है, या वो अपने परिवार से देख के आए हैं, या उन्होंने अपने गंदी जो एक संगति होती है ना, संगति का असर होता है, हम बोलते हैं ना कि अच्छी संगति का असर अच्छा और बुरी का बुरा, तो ये बात हो जाती है। तो ऐसे ही बच्चों में एक तो अच्छा हाँ, कल के एक टॉपिक में एक बात रह गई थी जो मैंने आपसे शेयर नहीं करी थी, हैंडराइटिंग का। हैंडराइटिंग में एक चीज और रह गई थी, प्लीज मेरी मम्मियों से बड़ी अपील है कि आप लोग ना बच्चों का हाथ ना पकड़े,
बच्चों का हाथ पकड़ोगे ना तो पूरी लाइफ के लिए फिर आपको उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और वो सहारा ढूंढता है, हर इंसान सहारा ढूंढता है। तो बच्चों का कभी भी हाथ ना पकड़े, क्योंकि गंदी हैंडराइटिंग सबसे पहले वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर आपने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर अपने बच्चे का हाथ पकड़ लिया ना हैंडराइटिंग में, तो वो हमेशा फिर गंदी रहेगी, वो सुधरेगी नहीं कभी भी। अगर आपने देखा हो, डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग बहुत गंदी होती है, उनको लिखना पसंद नहीं होता, क्योंकि उनका थ्योरेटिकल वर्क ही इतना ज्यादा होता है कि वो लिखना पसंद नहीं करते। ठीक है, चलो बैक टू द टॉपिक, बच्चों की आदत। बच्चों की एक और आदत होती है कि वो झूठ बोलना शुरू हो जाते हैं। झूठ कब बोलते हैं? डर के मारे। ठीक है, आधी से ज्यादा चीजें तो वो डर के मारे बेचारे करते हैं कि आज ईवीएस ही होगा, टीचर ने बोल दिया कि ऊंची आवाज में, एक तो लाउड वॉइस, ठीक है, आज ईवीएस और हिंदी होगा, आज मैथ्स होगा, मतलब यानी कि डर। मेरा मैथ्स बहुत खराब था अपने बचपन में, मतलब, और आप देख लीजिए कि आज मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है घर की लेडीज को खुद ही करनी पड़ती है। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं कि जैसे देखो डर बैठ जाता है ना, एक मैथ्स की टीचर आने वाली है, साइंस की टीचर आने वाली है, तो ये डर खौफ होता है बच्चों के दिमाग से। पहले तो ये डर निकालिए, तभी वो झूठ बोलना बंद करेंगे। क्योंकि वो झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने उनको कुछ चीजों के लिए डरा रखा है। ठीक है, तो बच्चों को डराना नहीं है, कोई भी गुड और बैड हैबिट ऐसे इनकलकेट नहीं होती है जब तक कि आप नहीं कुछ कर रहे घर पे, या बच्चा किसी को देख नहीं रहा। स्कूल से बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो स्कूल से आती हैं। तो देखो ऐसा है कि समझाना हमारा फर्ज है कि ये कैसे गलत हो सकता है आपके लिए, कैसे सही हो सकता है, नरमी से, क्योंकि बच्चा एक ऐसी कच्ची मिट्टी है ना कि उसको आप कैसे मर्जी ढाल लो, वो आपकी बात को समझ ही जाएगा। तो चलिए कोशिश करेंगे अपने बच्चों के साथ अच्छी और बुरी बुरी जो आदतें हैं उनको सुधारने की। चलो, हमारे अंदर भी बहुत सारी गंदी आदतें होती हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारी बुरी चीजें होती हैं, हम उनको सुधारते कैसे? धीरे धीरे, जब हमें कोई दूसरा बोलता है, सामने वाला बोलता है। अब जैसे बच्चों की बहुत ज्यादा खाने की हैबिट हो जाती है, कहीं पे भी जाएंगे ना तो कुछ चीजें पड़ी हुई देखेंगे ना तो बच्चे खाना शुरू हो जाएंगे, चाहे उनका पेट भरा हुआ लेकिन उनकी आंखें नहीं भरती हैं। वो यही चीज होती है कि एक तो बेबी फैट होता है, बच्चे खाते, ठीक है, उनको रोके मत, लेकिन उनको समझाइए कि बेटा अगर आप इस तरीके से बिहेव करोगे ना, ठीक है, तो अंकल आंटी सोचेंगे, हाँ निशे को ये नहीं मिला, आज गुनू को ये नहीं मिलता, मम्मा तो लाके ही नहीं देती है, मम्मा लाके देती है ना आपको ढेर सारी चीजें, है ना, फिर अंकल को ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। प्यार से समझाइए, देखिए बच्चा किस चीज का भूखा होता है, प्यार का भूखा होता है, सिंपल। बच्चे को प्यार की भाषा समझ आती है, बच्चे को चीखना चिल्लाना, अगर आप डांट डांट के पढ़ाओगे ना, करो इसको जल्दी करो इसको, वो सुनेगा ही नहीं, वो ढीठ हो जाएगा, वो अकड़ ही जाएगा पूरी तरीके से। एक दिन आपसे मार खाएगा, 2 दिन आपसे मार खाएगा, वो तीसरे दिन ढीठ हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, अब आप कर लीजिए जो आप उसका करते हैं। तो इसलिए प्यार से, सहजता से बुरी आदतें जो है ना बच्चों की, वो सिर्फ देख के और अपना एक्सप्रेशन होता है उनका, उनको सुधारना बहुत टैक्टफुल होता है, और उनको जो जैसे सुधारना होता है ना वो भी बहुत तरीके से होता है कि बेटा ये चीज आपके लिए नुकसानदेह कैसे हो सकती है, ये चीज आप रीजनिंग दीजिए हर चीज की। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बोला है कि रीजन देके बताएंगे ना, खुल के एक तो बात कीजिए बच्चों के साथ, रीजन बताएंगे तो वो आपकी बातों को समझेंगे। आदत बुरी या अच्छी नहीं होती है, उसको इंकल्केट कैसे करते हैं वो चीज होती है। बच्चा क्या देख रहा है, सुन रहा है, अगर बच्चे ने कोई गंदी मूवी देख ली है, आपके साथ बैठ के बहुत वायलेंट मूवी देख लिया है, कोई गाली दे रहा है उसके अंदर, तो क्या होता है कि बच्चा गाली सीखता है, जो देखता है वो सीखता है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे कि बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करनी होती है, या माँ बाप अपनी, देखो वो देख लें, वो चीज देख लें कि यार हम तो कमाने के लिए चले जाते हैं, हम कैसे देखें, हम ये कैसे करें, हम कमाए भी, हम ये भी करें। देखो कमाना अपना एक जगह होता है, यही तो पेरेंटहुड होता है। और पेरेंटहुड होता क्या है कि आप मुश्किलों से गुजर के भी आप अपने बच्चे को एक अच्छा पालन पोषण वातावरण देंगे। ठीक है, तो मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहूंगी, लेकिन बात इतनी सी है कि आप ही को देखना है, देखिए सोचिए समझिए। मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में, तब तक ख्याल रखिए अपना और बच्चों का भी ख्याल रखिए। जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एक बार फिर, तो चलिए एंजॉय कीजिए अपनी जन्माष्टमी। मैं आपको मिलती हूँ कल अपने अगले ब्लॉग में।